हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूतन शर्मा अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। और गणेश चतुर्दशी में आप इसे बनाइए, घर में सभी बच्चों को भी बड़ों को भी सभी को बहुत पसंद आएगी। तो गणेश चतुर्दशी में इसे बना के आप एक बार ट्राई कीजिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में करीब 3-4 चम्मच घी लिया है और इस घी को पिघलने तक वेट करना है। पिघलने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप गाय का दूध लिया है। अब इसे अच्छे से मिला लेना है घी में, और इसे मिलाने के बाद, इसे हल्का गर्म होने के बाद, अब मैं इसमें करीब 1.5 कप दूध का पाउडर, यानी कि जो चाय बनाने वाली पाउडर होती है ना, एवरीडे हुआ, अमूलिया हुआ, ये सब, ये पाउडर मैंने 1.5 कप लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये ध्यान रखना है कि उसमें लम्स ना आए। इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप मिल्क पाउडर डाल रहे हों तो मिल्क पाउडर डालते वक्त थोड़ा थोड़ा करके डालें और गैस को बंद कर दें, गैस का नॉब को बंद कर दें थोड़ा देरी के लिए, और उसके बाद डाल के मिलाने के बाद फिर से ऑन कर लें गैस को। उसके बाद आप इसे गैस को लो फ्लेम में रखते हुए आपको इसे बनाना है। और ये देखिए, ये थोड़ी सी थिक होने लगी है। अब मैं इस स्टेज में यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी। चीनी मिल्क पाउडर में रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच ही केवल चीनी ली हूँ। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीनी पाउडर शुगर होना चाहिए। आपको चीनी को मिक्सी में डाल के पीस लेना है, उसके बाद ही इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पिघलने लगती है, उसके बाद फिर सेट हो जाती है। अब इसे कंटिन्यू चलाना है और बहुत ही लो फ्लेम में बनाना है, तभी ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, ये देखिए, अब इस तरह से चम्मच के हेल्प से आप इसे स्मूथ कर सकते हैं, जो भी लम्स होगी वो हट जाएगी, बहुत ही स्मूथ हो जाएगी ये मिठाई, और जब बन के रेडी होगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखेगी। अब ये देखिए, इस तरह से इसे चलाते जाना है चमचा से। और ये, इसे मैं आप चेक करूँगी कि ये हुई है कि नहीं। इसके लिए मैं एक बर्तन में थोड़ा सा लेके चेक कर रही हूँ, और चेक करते वक्त भी नॉब को, गैस का नॉब को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि ये हो चुकी होगी तो और ओवर कुक होने का डर है, तो ओवर कुक नहीं होना है, पहले आप चेक कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इसे चेक कर लिया है, और चेक करने के बाद ये देखिए, ये देखिए, ये किस तरह से हो रही है। देखिए, ये हाथ में अभी भी चिपक रही है, यानी कि ये अभी तक हुई नहीं है, अभी और इसे होना बाकी है। तो चलिए फ्रेंड, गैस के नॉब को ऑन करके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और चलाना स्टार्ट किया, और गैस को लो फ्लेम में ही रखना है। तेज़ में रखेंगे, हाई में या मीडियम में रखेंगे तो ये जलने लगेगी। इस तरह से लो फ्लेम में बनाते जाइए, इसे थोड़ा सा और मिलाते हुए। देखिए, ये देखिए, अब ये कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो अब ये लगती है हो चुकी है। तो मैं इसे चेक करूँगी, ये देखिए, इसे मैंने फिर से चेक किया, थोड़ा सा ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद देखिए, मैं देख रही हूँ, देखिए इसका गोला बन रहा है, यानी ये बहुत ही अच्छा पेड़ा इसे तैयार हो जाएगा, बहुत स्मूथ तैयार होगी। तो अब ये हो चुकी है, तो अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, गैस को बंद कर दे रही हूँ। और प्लेट में निकालने से पहले उस पर आप घी लगा लीजिएगा, घी से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि वो चिपके नहीं आप जब निकालें उसे। ये इस तरह से इसमें डाल लिया मैंने, और उसे प्लेन करना है चमचा के हेल्प से, इस तरह से इसे प्लेन कर लीजिए अच्छे से। और अगर आप चाहें तो आप बेलन से भी एक बार आप इसके ऊपर बेलन भी चला के इसे स्मूथ टेक्सचर दे सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ता से इसे गार्निशिंग कर रही हूँ, और इसे भी अब एक स्पैचुला की हेल्प से इसे हल्का सा प्रेस कर लेना है, ये जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स इस पे डाला। अब ये देखिए, मैंने एक स्पैचुला लिया और उसे प्रेस कर लेना है। तो
जिससे क्या होगा कि ये सेट हो जाएगी, उसमें बैठ जाएगी जाके। और अब मैं इसे सेप दे रही हूँ। सेप देने के लिए मैंने एक ढक्कन लिया हुआ है, आप किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चाकू से भी कट कर सकते हैं, आपको जो सेप देना आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे सर्कल सेप दिया है, और आपको क्या करना है, ये आपको इस तरह से कट करके आपको 1-2 घंटा के लिए इसे फ्रीज में रख देना है। अब देखिए ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, बहुत ही अच्छा बनी है। और साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थी वो मैंने इसे इसका छोटा छोटा मैंने पेरा बना लिया है। ये देखिए कितनी स्मूथ लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए। और आप सबों को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो बहुत सारे लाते रहूं। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, ये गणेश चतुर्दशी आप यही वाली मिठाई बनाइए, मुझे विश्वास है आपके फ्रेंड फैमिली सभी को बहुत पसंद आएगी। और जितना हो सके ये रेसिपी को, ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका इस मिठाई को अपने घर में ट्राई करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।